नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले तो दावत देना चाहता हूं, सभी जो दीन धर्म के लोग हैं वो आए जुड़े, और हम लोग अब धर्म के साथ जीना कैसे है ये साबित करेंगे, सही जीना है। और मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी आज जो एक्स मुस्लिम जफर के एक वीडियो आई थी उस पर था, एक नसरुद्दीन नाम का बोल वो भाई बोलता है मैं हाफिज था, चलो अच्छी बात है, और मैंने ये किया वो किया, फिर और क्या मतलब वो ये साबित करना चाहे कि जो मदरसे में उसने पढ़ाई की उसकी वजह से उसको सही समस्याएं हुई, वरना उसने एक वो रेडी लगा ली, पता नहीं क्या उसकी लगाई है, क्या कहते हैं खाने वाली बिरयानी की, अब मैंने रेडी लगा दी, फिर मैं दुकान खोल दिया भाई, मैं मतलब उसको वो ये दिखाना चाहे कि भाई उसने कुरान मजीद को छोड़ करके पता नहीं कितनी ऊंचाई पाली। मैं कहता हूँ भाई कुछ ना, ये तो जो जिन्होंने ना मदरसे पढ़े ना हिंदी पढ़े ना, उन्होंने भी दुकानें खोल रखी हैं, और कई दुकानें खोल रखी हैं बिरयानी की, और कई कई शहर में खोले, गुड़गांव में भी बहुत सी दुकानें हैं। तो भाई मेरे ये अपने दिमाग को धो लियो, गंदगी भरी पड़ी है कि मैं कुरान मजीद को छोड़ करके या धर्म को छोड़ करके दीन को छोड़ करके मैं बिरयानी की दुकान लगा दी, बहुत बड़ी बात है? कुछ भी बड़ी बात ना है, कुछ भी बड़ी ना, कोई सौदा ना है मेरी यार, बिरयानी की दुकान क्या है भाई, ये तो अनपढ़ लगा लेते हैं। अच्छा अभी फिर इसने क्या एक बात कही है जी, वो उसकी तारीफ में क्या कर रहे हो, झूठ किस लेवल पे कि अगर ये बिरयानी की दुकान अगर ये मदरसे में नहीं पढ़ते ना तो बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट होते, भाई बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है वो तो, बड़े बड़े मौलवी साहब विदेशों में घूम रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, पानी के जहाजों में घूमते हैं, वीडियो है उसकी, मौलाना मुफ्ती इसकी देख लो क्या नाम जमील, मुफ्ती मसूद तारिक जमील की कितनी पीढ़ियों कितनी ऊंचाइयां पहुंच गए हैं वो तो, हैं कितनी ऊंचाई, दीन की भी ऊंचाई है और ये दुनिया की भी ऊंचाई है। तो भाई ये केवल झूठ है, केवल झूठ, कोई सच्चाई मतलब नहीं। वो बताए यार कमाल है, उसकी दुकान खोल दी है वो, क्या कहते हैं उसको बिरयानी की, मगर बहुत बड़ी बात है साहब, बड़ी आप तो बड़ी ऊंचाई छूते, अरे भाई कुछ ऊंचाई छूता था आप छू लेते ना ऊंचाई, बिरयानी के होटल खोल दे दिल्ली में, 5 स्टार होटल खोल दे, बिरयानी का होटल में दुनिया भर की सारी बिरयानी यहाँ मिलती, हम भी मान ले मुल्ला नसरुद्दीन क्या यार क्या कार्टून यार, मतलब एक कार्टूनिस्ट का लेवल क्या है, ये देखने वाली बात है, मतलब एकदम कति बस परले लेवल की ये सब चीजें। तो भाई ये सब झूठ है भाई, इन बातों से निकलो, दीन धर्म बहुत जरूरी है जीवन के लिए, दीन धर्म से ये कंपनियां ये पश्चिम जो है ये इसलिए वेस्ट जो है इसलिए अलग कर रहा है हमको कि उसको शराब बेचने में आराम मिलता है, उसको नशा बेचने में आराम मिलता है। दीन का आदमी होगा तो नशा नहीं करेगा, दारू नहीं पिएगा, उनके फालतू चीजें नहीं खर्च करे खरीदेगा, तो कंपनियां फिर घाटे में देगी, इसलिए वो दीन पे हमला करती है कि भाई दीन को इनकी जिंदगी से निकाल दो। तो फिर ये अब दीन का आदमी एक बात बताओ, दीनदार जो आदमी हो उसे पता ये बात पता है कि डिब्बे में सेहत नहीं हो सकती, डिब्बे में खाने को लंबे टाइम तक चलाने के लिए सबसे पहले जरूरी है उसमें ऐसी चीज डाली जाए जो खाना खराब ना हो, और वो चीज वो होगी जो कीड़ा भी नहीं खाएगा, और जिसे कीड़ा ना खाए उसे इंसान खाए। तो ये इस क्यों छोटी छोटी बातें हैं ये, मैं इनको आप अगर कहोगे भाई कमेंट में आप मुझे बताया करो कि हाँ भाई हम आप इस बात को डिस्क्राइब कर दो, इसको पूरा बता दो, मैं उसको फिर वीडियो बनाऊंगा। दूसरी बात, अब मैंने अब कभी ना लाइक के लिए कहा, ना कमेंट के लिए कहा, ना सब्सक्राइब के लिए कहा, लेकिन अब लड़ाई आर पार की है, अब लड़ाई आर पार की है, और आर पार की लड़ाई को लड़ेंगे हम सब मिलके। तो इसके लिए भाई दोस्तों कुछ लोग इसे लाइक भी कर दो, कुछ कमेंट भी लिखो, जो गलती हो मेरे अंदर बताओ मुझे, तो मैं ठीक करूं। आप लोग अगर वीडियो में आना चाहते हो तो आप लोग भी आइए, जो धर्म के साथ आगे बढ़े हैं, जो दीन के साथ जो भाई आगे बढ़े हैं।